श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 15 मई दिन सोमवार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है, जिसे हम अपरा एकादशी भी कहते हैं। उदय तिथि 15 मई को है, इसीलिए एकादशी का व्रत भी 15 मई को ही किया जाएगा सोमवार के दिन। तो आज का ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी हमने एकादशी के दिन करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही, आप जितनी भी कमाई करते हो वो आपको बिल्कुल भी आपके पास पैसा नहीं बचता है, पैसे में बरकत नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय एकादशी के दिन कर लेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी और जो आपके आलतू फालतू के खर्चे हो रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। तो सरल सा उपाय है। उपाय पूरा जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है। जैसे कि एकादशी का दिन आप सभी लोग जानते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहती है। जीवन में एक बार संकल्प के साथ एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या करना है, एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आपने लेनी है एक कटोरी, एक पात्र ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर हमने डालनी है थोड़ी सी हल्दी। एक चुटकी दो चुटकी हल्दी आप जो है डाल लीजिए। उसी हल्दी के अंदर हमने डालने हैं थोड़े से अक्षत, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि एकादशी का दिन है तो हम चावल क्यों डाल रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगी कि जो एकादशी के दिन चावल ना खाने का विधान है, ये हम जैसे मनुष्यों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान पर ऐसा कोई विधान लागू नहीं होता है। अगर आप शिवलिंग पर भी एकादशी के दिन चावल समर्पित करते हैं तो उससे भी हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। केवल एकादशी के दिन चावल हम जैसे लोग नहीं खा सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कटोरी के अंदर हमने ली हल्दी, हल्दी के बीच में डाले थोड़े से हमने अक्षत, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इत्र। आपके पास चंदन का इत्र हो, गुलाब का इत्र हो, कलियों का इत्र हो, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आए, क्योंकि भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को खुशबू वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें आकर्षित करती है। तो आपने इन तीनों चीजों को मिलाकर एक घोल बना लेना है। फिर आपने जाना है विष्णु भगवान जी के मंदिर में। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो वहां पर भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी का जो है मंदिर होता है। अगर नहीं है तो आपके घर में ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, तो आपने क्या करना है, ये जो हमने घोल बनाया है इसका एक तिलक जो है, एक उंगली आपके हाथ की जो अनामिका उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, उस वाली उंगली से आपने भगवान विष्णु को आपने तिलक लगाना है। फिर आपने माँ लक्ष्मी को तिलक लगाना है। लगाने के बाद हाथ जोड़कर अपनी कामना करिए, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी उंगली के साथ आप अपने घर में जहाँ पर धन रखते हैं, जैसे आपकी अलमारी है, लॉकर है, वहां पर आपने क्या करना है, एक स्वास्तिक बना देना है उसी घोल के साथ और उसी उंगली के साथ जिसके साथ हमने तिलक लगाया था। स्वास्तिक बना दीजिए। आपका पर्स है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, उस पर्स के अंदर भी आप जो है किसी पेपर के ऊपर या फिर किसी ऐसे नोट के ऊपर, जो रुपया का नोट हो या सिक्का हो, उसके ऊपर भी एक तिलक लगाकर उसे अपने पर्स में हमेशा रखिए, उसे कभी खर्चा नहीं करिए। तो ऐसा करने से जो है आपके घर में, आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहेगी, आपके जो फालतू के खर्चे होते हैं उन पर रोक लगेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो बहुत ही सरल सा उपाय है। एकादशी के एकादशी इस उपाय को दोहराएंगे तो शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। जो आपके व्यर्थ के खर्चे हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। तो कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।